हाय दोस्तों, कैसे हो? माय ब्लॉग चैनल S107 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों देखते रहिए माय ब्लॉग चैनल S107। दोस्तों आज अपने गांव में हरेली का त्यौहार मनाया जा रहा है। अपने गांव में किस टाइप का पूजा किया जाता है सो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलो चलते हैं पूजा करने। रोड तो नहीं है, बस मेड़ बना हुआ है, इसी के रास्ते जाना है। ये देख सकते हैं ये मंदिर जाने का रास्ता है। इधर साइड में खेत है, इधर राइट साइड में भी मंदिर तो नहीं बना है। पुजारी का कहना है कि यहाँ देवी माता मंदिर बनाने के लिए परमिशन नहीं मिल रहा है, इसी वजह से मंदिर नहीं बनाया गया है। तो ये देखिए मंदिर का दृश्य, ये बाहर का है। गांव में इसी टाइप का होता है। सो गाइस देखते रहो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो। आजू बाजू सब खेत लगा हुआ है। अभी मैं तिलका बंदिन जल्दी माता दरबार में पहुंच चुका हूँ। जय माता दी। सो मैं अभी अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, देख सकते हैं। इसी प्रकार गांव में पूजा अर्चना की जाती है। आप देख सकते हैं पुजारी देवी माँ को खुश करने के लिए आरती कर रहा है। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। गांव में इसी प्रकार देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी के बने हुए मूर्तियाँ हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये लोहे का त्रिशूल भी बनाया गया है। मिट्टी की मूर्तियाँ टूटी हुई लग रही हैं। इससे पहले ये मूर्तियाँ बहुत अच्छी दिख रही थी, कोई घोड़े का बना था, कोई आदमी का, हर प्रकार का मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी पुजारी इन मूर्तियों के ऊपर चावल चढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हो। गांव में इसी प्रकार पूजा अर्चना की जाती है। गांव की यही मान्यता है कि इन मूर्तियों के ऊपर जो चावल रखा जाता है उसमें से एक भी दाना इस पीतल की थाली में गिरने पर ये समझते हैं कि देवी माँ हमें प्रसाद या आशीर्वाद दिया समझ के। यहाँ पर नारियल, अगरबत्ती, रंग बिरंगे फूल, चावल, गांव के कई प्रकार के सामग्री लाया गया है और देवी माँ को चढ़ाया जाएगा।
आप देख सकते हैं। पूजा भी माँ तिलका बुंदी जलनी माता से विनती कर रहे हैं कि सभी गांव वाले और जो भी दुखदाई हो वो सब कष्ट दूर हो। इस प्रकार मन्नतें मांगी जाती है। क्या आप देख सकते हो मस्त क्यूट मूर्ति माँ तिलका बुंदी जल्दी माता अपनी गांव की कुल देवी है। जो भी गांव में शुभ कार्य किया जाता है तब माँ की चरणों में जरूर आना पड़ता है। इसी के बाद ही कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ किया जाता है। आप देख सकते हैं इधर सज्जन लोग बैठे हुए हैं कि देव माँ का प्रसाद देगी या आशीर्वाद देगी, ये सोचकर पुजारी तो लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सब हाथों में नारियल पकड़े हुए हैं। इन्हें लगता है कि कब हमें नारियल खाने को मिलेगा। सब एक एक टन अपने घर से नारियल अगरबत्ती लेके आते हैं देवी माँ को चढ़ाने के लिए। पुजारी अभी जोर शोरों से देवी माँ को खुश करने के लिए मन्नतें मांग रहा है। आप सुन सकते हैं इनकी आवाज़ अपनी लोकल भाषा गोंडी में। इसी प्रकार पूजा की जाती है। हम देख सकते हैं सुनिए पुजारी की आवाज। दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एक लाइक तो बनता है यार। दोस्तों वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत।